राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे देव उत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। ये कथा आज के दिन सुनना बेहद शुभ माना जाता है, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी पूछी, हे नाथ, आप दिन रात जगा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सोते जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जगने से सब देवताओं और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु से शयन करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश हो जाएगा। मेरी यह निद्रा अल्पनिद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्पनिद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावनाओं कर सेवा करेंगे और शयन का व उत्थान का उत्सव आनंद पूर्वक आयोजन करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूँगा। तो मित्रों, ये कथा थी लक्ष्मी नारायण जी की, जो कि देव उत्थान एकादशी के दिन अगर आप सुनते हैं तो लक्ष्मी नारायण की कृपा एक साथ आपको मिलेगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस कथा को अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि उन तक भी लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे और उन पर भी बनी रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर और कमेंट्स में लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिख कर जाएं।